दिमाग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर उसे समझना उतना ही डिफिकल्ट है। क्या आप जानते हो हमारा दिमाग चीता से कई ज़्यादा स्पीड में काम करता है? इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ऐसे कुछ यूनिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे आप जान के हैरान हो जाएंगे। ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, आम भाषा में कहे तो ऑक्सीजन की कमी। आमतौर पर ब्रेन इंजुरीज 1 मिनट के निशान पर शुरू होती है। ऑक्सीजन की कमी के 30 से 180 सेकेंड के बीच आप कॉन्शियसनेस खो सकते हैं। 1 मिनट के निशान पर ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। 3 मिनट में न्यूरॉन्स तेजी से डैमेज होने लगते हैं, जिससे ब्रेन डैमेज होना लगभग संभव हो जाता है। 5 मिनट के बाद आप बेहोश हो जाते हैं। 10 मिनट में भले ही आपका दिमाग जीवित रहे, लेकिन कोमा और इनर इंजुरीज लगभग संभव है। 99% केस में 15 मिनट के बाद सर्वाइवल लगभग असंभव हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, वैज्ञानिक मानते थे कि ह्यूमन ब्रेन बचपन में ही डेवलप करना बंद कर देता है, लेकिन नया रिसर्च से पता चला है कि वो 30 to 40 years में भी डेवलप होता रहता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एक न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर सारा जेम्स ने नई सोच का खुलासा किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लगभग 10 साल पहले तक हम मानते थे कि बचपन में ही मानव मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, लेकिन अब ब्रेन स्कैनिंग से हम समझते हैं कि मानव दिमाग कई सालों तक डेवलप होता रहता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो क्षेत्र है जो 30 से 40 तक डेवलप होता रहता है। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सोशल बिहेवियर और लोगों को समझना एक्सेट्रा, ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही करता है। यह ब्रेन का वह हिस्सा है जो हमें मानव बनाता है। ब्रेन यूजेज, इंसानी दिमाग के एक टिश्यू में 1 लाख से ज़्यादा न्यूरॉन्स और 1 मिलियन से ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, जो अभी भी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई नया एक्टिविटी या कुछ नया सीखते हैं तो नए न्यूरॉन्स बनते हैं। हमारा दिमाग किसी भी मैमल के कंपेयर में 3 गुना ज़्यादा बड़ा रहता है। हमारा स्कल 22 हड्डियों से बना होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। पानी इसलिए ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि हमारा दिमाग 80% पानी से बना होता है। हमारा दिमाग 3 पाउंड का होता है, जो बॉडी वेट का सिर्फ 2% है। फिर भी दिमाग 20 से 30% का खाना या कैलोरीज कंज्यूम करता है और 20% ऑफ ऑक्सीजन यूज करता है। ब्रेन एक्टिविटी, वीडियो को पॉज कीजिए और इस पैसेज को पढ़े। अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लेटर किस ऑर्डर में है, इम्पोर्टेंट यह है कि फर्स्ट और लास्ट लेटर सही जगह पर हो। इसलिए आप अभी भी किसी समस्या के बिना इसे पढ़ सकते हैं। इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। मानव दिमाग कभी भी 1 लेटर को नहीं पढ़ता, वो पूरे वर्ड को एक साथ पढ़ता है। इसीलिए आप ये पैसेज को इतनी आसानी से पढ़ सकते हैं। ब्रेन प्रोडक्टिविटी, हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा तेज और शक्तिशाली है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एबीडी लेटर्स का कैच, ऐसे सिचुएशंस में आपके आंखों से जो सिग्नल्स आते हैं उसके हेल्प से आपका दिमाग कैलकुलेट करता है स्पीड और टाइमिंग, और फिर ऑर्डर्स जाते हैं मसल्स को। जितनी स्पीड से आपका ब्रेन सिग्नल्स को कैलकुलेट करता है और उस पर रिएक्ट करता है, उतनी स्पीड में कौन सा भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। न्यूरॉन्स, बहुत बार सुना होगा इस वर्ड के बारे में। बेसिकली आपके दिमाग में 100 मिलियन से ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर आज आप न्यूरॉन्स काउंट करने बैठे तो आपको 3000 साल से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इतने न्यूरॉन्स आते कहाँ से हैं? जब भी आप कुछ सोचते हैं या फिर देखते हैं, तब आपका दिमाग न्यू न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करता है। हालांकि आपका दिमाग सोते वक्त भी न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करता रहता है। सारे न्यूरॉन्स साथ मिलकर इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कि एक लो वोल्टेज बल्ब को जला सकते हैं। न्यूरॉन्स 241 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। इसीलिए जब भी आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो सेकेंड्स में आप अपना हाथ उठा लेते हैं। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to